जय श्री कृष्ण। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान ठाकुर जी के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस पावन कथा का आनंद लें। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।